कटवा लिया भाई। तो अब ये सीन है कि यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे हैं और वहाँ जाके जो भी हमारा काम रह गया था वो करवाएंगे आज पूरा, और होपफुली आज हो जाना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें पूरी है। हो जाए आज, अच्छा है, हो जाए तो दोबारा कल धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। मेरठ की रोड तो आपको पता ही है कैसी है, और नहीं पता तो हम दिखाते हैं आज रास्ते में कैसी होगी। ये यहाँ से ही हमें जाम मिल गया, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 5 मिनट भी नहीं हुए तो और गाजियाबाद का जाम देख सकते हैं आप लोग। ये हम जगह ढूंढते हुए पंडित जी निकले आगे। होप सो आज आज में पहुंच ही जाएंगे। और अमन हमें मिल नहीं रहा, अमन पता नहीं कहाँ चला गया है, अमन गायब है। ये हमें अब अमन मिल चुके हैं। ये देखो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं गंग नहर वाले रास्ते से निकला जाए। ये कह रहे हैं कि फिर कोई ट्रक पलट गया होगा। अभी परसों ही हम लोग गए थे तो रास्ते में मोदी नगर के रास्ते में वहाँ पे एक ट्रक पलट गया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जाम हो रहा था तो हम बारिश में भी भीग चुके थे। काफी देर चलने के बाद खाली रोड मिली है थोड़ी सी, और यहाँ मन को स्कूटी में तेल डलवाना है, तेल खत्म हो रहा है। अगर मेरठ आ रहे हैं टू व्हीलर से तो बहुत सोच समझ के आए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपको सफर करना पड़ जाएगा। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला, SUFFER। किसी को हेलमेट की पड़ी नहीं है, रूल सिर्फ किताबों में लिखे रह गए यहाँ पे, सबके चाचा विधायक है यहाँ पे। ये हम गाजियाबाद से थोड़ी दूर चल के आपको गंग नहर मिलेगी। मेरठ जाना है, हरिद्वार जाना है तो यहाँ से बहुत साफ रास्ता है। अमन आगे निकल गया है, हमें गंग नहर की तरफ हमें जाना था तो हम थोड़ा सा आगे आ गए थे। हमारे अमन भाई साहब थोड़ा आगे चला गया था तो हम थोड़ा से वापसी आ चुके हैं गंग नहर के रास्ते पे। पुलिस की चेकिंग हो रही है, हेलमेट पहना है हमने इसलिए हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई। वैसे भी कोई चेकिंग नहीं होती, वैसे भी चाचा विधायक है जैसा आपको बताया था। तो यहाँ का काफी अच्छा व्यू है, कभी आपको फोटोशूट कराना आना हो तो रात के टाइम प्रेफर ना करें क्योंकि रात को ये रास्ता सुनसान हो जाता है। ये हमारे अमन भाई देसी बर्गर चबाते हुए, ये देखो ये खा रहे हैं देसी बर्गर। ये रखा है एक और बगल में, नदी बह रही है उस तरफ, मस्त नज़ारा हो रहा है भाई। थोड़ा सा खा लेंगे फिर चलेंगे, यहाँ पर एनर्जी रिस्टोर करता है थोड़ी सी, फिर चलता है। खाना पीना हो चुका है, यहाँ से देसी बर्गर खा लिया है, सपने निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। खाना आ रहा है पीछे पीछे, व्यू देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। मौसम में धूप है पर हवा काफ़ी ठंडी है पेड़ों की वजह से। टकरान की बारी आ चुकी है स्कूटी चलाने की, पढ़ लिख कर IAS IAS बनना चाहते हैं इसलिए 80-100 किलोमीटर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं दूर। काफ़ी लोग ना भी रहे हैं, मन तो हमारा भी है। हमारा मेरठ का कट आने वाला है, यहाँ से राइट लेंगे। एज एक्सपेक्टेड पिछली बार की तरह रोड अभी तक नहीं बनी है, 1.5 साल हो गया है, रोड पे बस धूल ही उड़ रही है। ये किडनैपिंग वैन, आई होप किडनैप ना हो रहा हो कोई। गन्ने की खेती है अभी स्टार्टिंग है, सस्ता आईफिल टावर। रोड तोड़ दो बंदा अपने आप गाड़ी स्लो कर लेगा, ब्रेकर पैसे तो भगाता वाले जाता है। दिल्ली से मौसम बहुत अच्छा है, कहीं की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उत्तराखंड बिल्कुल जा सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। ओस्मो की बैटरी भी डाउन हो गई है, अब स्कूटी में चार्जिंग पे लगाएंगे मन की, नई तरह की स्पीड ब्रेकर तो स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। सरकारी रोडों ने अपना काम दिखा दिया है, फिर से उलिए पर आ गई है अपनी, रास्ता देख सकते हैं फिर से कैसा हो गया है। वन वे रास्ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है अब यहाँ पे, धूल इतनी उड़ रही है आँखों में, चुभ रही है पूरी तरीके से। धीरे धीरे चल रहे हैं बस, अरे 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 अरे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, पता नहीं कितना लंबा रास्ता हो गया। भाई रास्ता खत्म नहीं हो रहा, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, अमन पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि अमन को रास्ता नहीं पता, रास्ता तो हमें भी नहीं पता। बैठे बैठे दर्द हो गया है, थोड़ा दर्द का माहौल है। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, शुगर है कुछ तो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सफ़र हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। अमन को आई ड्रॉप लेनी है, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन है, धूल मिट्टी से इतनी ज़्यादा। तो
गाइस हम आ चुके हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, यानी हमारी यूनिवर्सिटी। तो ऐसे जी हम गेट से अंदर घुसते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम हो रहा है। ये इमरान यहीं खड़ा हुआ है, पहले पहुंच गया था। और अगर इधर जाएंगे तो यहाँ हमें पार्किंग देखने को मिल जाती है, विजिटर्स पार्किंग। ये पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं अंदर देख रेख करने के लिए कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा, अगर करता है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सुनवाई के लिए। तो ये परीक्षा एवं गोपनीय विभाग है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। और ये डाकघर है यहाँ का। और ये क्या है, उत्तर पुस्तिका अनुभाग, आंसर बुक सेक्शन। ओके, आगे पुलिस वाले खड़े हैं और आगे गाय भी खड़ी है एक। ये छात्रावास है, मतलब हॉस्टल, हॉस्टल। और ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। भाई रोड खत्म क्यों नहीं हो रही है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विज्ञान विभाग। और ये क्या है, रुस्तम एवं जमा द्वारा सिंह कुश्ती स्टेडियम। ये MSW प्रोग्राम सोशियोलॉजी के लिए। और क्या है यहाँ, स्पोर्ट्स विभाग। ये हमारा फील्ड हो जाता है, काफ़ी बड़ा है भाई। अब ये तो पूरा खेत ही लग रहा है, पता नहीं कितने बीघे का। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है रास्ता, आगे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। आगे तो जंगल सा ही लग रहा है मुझे कुछ। अच्छा, आगे दूसरा गेट आ गया। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी तक हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। इधर पूरा मैदान चल रहा है साइड में अपना, स्पोर्ट्स विभाग वाला। इधर शायद जंगला सा एरिया है। मोर भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर ही ले लें क्या, मैं उतर के जाता हूँ। उड़ जाते हैं लेकिन ये देख के। देख रहे हो कितना सुंदर है। और सामने भी एक गेट पे मोर बैठा हुआ है, मतलब मोर नहीं है, मोर जो भी है। ये देखो, और ये रहे हमारे दोनों साथी मित्र इमरान और निखिल। भाई कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी पहुंच के? भाई काम होने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तो ओवरऑल डे तो सख्त बट ठीक है। एडमिट क्या, सुकून मिल रहा है लास्ट में यहाँ पहुंच के, काम कराने के बाद। चलो भाई काम कराते हैं। काम कराने के लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? गोपनीय विभाग जाना है। हाँ, और बैंक भी जाना है। बैंक जाके चालान कटाना है। बैंक भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 रुपए चालान के। और यूनिवर्सिटी की गलती थी इस वजह से हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, और उसके बाद भी हमें चालान भरना पड़ेगा। तो कैसा महसूस हो रहा है इस बात पर? बहुत ही बुरा, दुख है। और आपको? बहुत अच्छा, मजा ही आ गया। इतना पैसा है मेरे पास, बांट बांट के मजा आ रहा है, बार बार पैसे बांटता रहता हूँ। दुखद घटना है बहुत ही। पिछली बार भी हम आए थे तो 1500 के आसपास तो तीनों के मिला के खर्चे हुए। पैसा बहुत है ना भाई, चाचा भी कहते हैं बैंक की तरफ। अभी तो जुपिटर पर घूम रहा हूँ, वरना ये गाड़ी हमारी होती। तो यहाँ से एक रास्ता और कट रहा था, तो ये देखते हैं ये रास्ता हमारा कहाँ को जाता है। चलो भाई भगाओ। ये क्या है, टॉक्सिकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। टॉक्सिक लोगों से दूर रहे। राष्ट्रपति नहीं, वनस्पति है वो, सॉरी, वनस्पति विज्ञान विभाग। और आगे कुछ और भी है, पता नहीं क्या है। तो ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और हिंदी विभाग। सामने खड़ी एम्बेसडर रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास, ये शायद गर्ल्स हॉस्टल होगा। इधर तो पता नहीं गांव सा चालू हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी का गांव। तो ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ वापस आ चुके हैं, और अगर यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है बैंक। तो थोड़ा आगे जाके क्या चालू हो जाता है, रेजिडेंशियल एरिया हमारा, रजिस्ट्रार साहब का घर चालू हो जाता है। ये यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए है, और थोड़ा आगे जाने पर रजिस्ट्रार साहब का घर आ जाता है, ये रहा। और उसके आगे जाने पर क्या आ जाता है, अलाहाबाद बैंक। तो ये आ गया अलाहाबाद बैंक। यहाँ पर फॉर्म वॉर्म भी जमा होते हैं 4 बजे तक, और यहीं पर अलाहाबाद बैंक है इसके पीछे, तो बैंक भी है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, फिर ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो जाता है सारा। भाई ने फॉर्म ले लिया है, यही हमारा काम था आज का। पर हमें फीस भी जमा करनी थी, वो तो हमने कर दी। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है,
कैसा लग रहा है अब? बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ पर ठीक है। मैं काम चला सकता हूँ, एक्सपेक्टेड था। मतलब लॉन्ग ड्राइव कैसी लगी? काफ़ी ठीक था, 80% तो ठीक था, बाकी जो था उसके बाद तो बहुत हैक्टिक हो गया था। जब आपका जब नहर वाली रोड ख़त्म हुई उसके बाद से तो काफ़ी थोड़ा ट्रैफिक भी था, ज़्यादा था। और ट्रैफिक के अलावा वहाँ पर गड्ढे भी थे, कुछ लोग थे वहाँ पे, कुछ ज़्यादा मलूक बोल सकते हैं उनको, और वो थोड़ा। और जब हम यहाँ लाइन में लगे थे, यहाँ बहुत लंबी लाइन थी, मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। यहाँ पे तो मतलब होम गार्ड का काम हम ही कर रहे थे शायद। सबको होम गार्ड बैठा हुआ था और हम सबको बोल रहे थे कि लाइन में लगो। फॉर्म कह रहा हूँ, फ़ोन आ गया भाई का। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और अब हम आ चुके हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।